वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग गार्डन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में हमने ये देखा था कि ये जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके कंपेरेटिवली इनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हमने पढ़ा है, और हमने देखा है कि डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट स्पेशल फंक्शंस। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट में हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट जो है CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर से अब्जॉर्ब करते हैं, और वो करते हैं जो लीव्स के सरफेस पे गार्ड सेल्स के बीच में जो टीनी पोर्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया था स्टेमेटा, तो स्टेमेटल पोर के थ्रू CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं। और फोटोस ये आपका एक इस तरीके से एक गार्ड सेल ये है और दूसरी गार्ड सेल ये है, और ये जो ओपनिंग होती है आपकी ये होती है स्टोमेटा। तो स्टेमेटल पोर के थ्रू ये क्या करते हैं, एटमोस्फियर से CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने बताया था कि ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज होता है, तो जो ऑक्सीजन है उसको एटमोस्फियर में रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को एटमोस्फियर में रिलीज करते हैं। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वाटर वेपर्स को भी एटमोस्फियर में रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके एक बार देख लीजिए, द लर्निंग गार्डन पे अपलोडेड वीडियोज हैं। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू आपका वाटर वेपर्स एटमोस्फियर में रिलीज हो रहा है, और ये हो कहाँ से रहा है, जो लीव्स के सरफेस पे हमने बताया गार्ड सेल्स के बीच में जो टीनी पोर्स हैं जिनको हम स्टेमेटा बोलते हैं, तो स्टेमेटा जब ओपन होते हैं तो CO2 को अब्जॉर्ब किया जाता है, लीफ जो है अपने अंदर CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द स्टेमेटल पोर, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है उसको बाहर एटमोस्फेयर में रिलीज किया जाता है। वाटर वेपर बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस दे आर ऑल्सो रिलीज इनटू एटमोस्फेयर बाय दिस स्टेमेटल ओपनिंग। तो ये एक तरह से मतलब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक तरह से प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट जो है ऑक्सीजन और CO2 के साथ कैसे डील करते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से रिलीज करते हैं। अगर प्लांट के अंदर कुछ दूसरे वेस्ट हैं तो प्लांट क्या यूज करते हैं कि मतलब हमें ये पता है कि प्लांट के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स हैं, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं जो डेड सेल से बने होते हैं, तो वो जो अपना वेस्ट मटेरियल है मान लो कहीं लीव्स में जाके उसको स्टोर कर लिया, तो जो प्लांट क्या करेंगे दे इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स, वो लीव्स जो नीचे गिर जाते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट दे आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। अगर आपको सेल के स्ट्रक्चर याद है तो सेल के अंदर सेलुलर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे स्टोर हो जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन लीव्स डेट फॉलो। आपने देखा होगा कि पत्ते कुछ सूखे सूखे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, या कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि प्लांट के ऊपर कोई सूखा पत्ता है कुछ दिनों बाद वो नीचे गिर जाएगा, तो प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट कई बार लीव्स के अंदर भी स्टोर करते हैं। कुछ दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड गम्स, और स्पेशली ओल्ड जाइलम में। और प्लांट का जो कुछ वेस्ट सब्सटेंस जो है, हमने बताया था कि प्लांट की रूट जो है सोइल के साथ अटैच होती है, तो सोयल के साथ अटैच होती है, तो सोयल के अंदर भी कुछ अपना वेस्ट सब्सटेंस एक्सक्रीट करते हैं। तो आई होप कि एक्सक्रीशन इन प्लांट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।